जय हिंद दोस्तों, एक्सिस बैंक में जीरो अकाउंट मेंटेनेंस और जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन होने लगा है। तो अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी और स्पाइस मनी के काउंटर पर जाके आप एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन करवा लीजिए। आप लोग का बेस्ट ऑफर है अभी, एक्सिस बैंक का जीरो अकाउंट मेंटेनेंस होता है। चलिए अकाउंट कैसे खुलता है तो वीडियो में बने रहिए। नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन स्पाइस मनी भाइयों को शेयर कीजिए जो ऑलरेडी रिटेलर है, उनको भी जानकारी हो जाए कि स्पाइस मनी में करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कैसे ओपन होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो हम स्पाइस मनी में आ गए हैं तो सेविंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है तो वीडियो में बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हमको सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे। सेविंग अकाउंट मोबाइल नंबर डालना है इसमें। आप किसी भी कस्टमर को अकाउंट ओपन कीजिएगा तो इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल करना है। टर्म कंडीशन पर भी आपको क्लिक करना है और प्रोसेस के लिए आगे कर देना। डिटेल्स, इनकम डिटेल्स, तो इस पर आना है। इसमें आप जितना भी इनकम भर सकते हैं, तो हम 2 लाख भर रहे हैं। और इसमें पैन कार्ड नंबर भी डाल दे रहे हैं, पैन कार्ड नंबर डाल रहे हैं। आप लोग भी पैन कार्ड नंबर फिल कर दीजिएगा, ट्रांजेक्शन करने में आप लोग को बेहतर रहेगा। पैन कार्ड नंबर डाल दिए हैं, कस्टमर के मोबाइल पर OTP गया होगा, वो आप OTP इस पर सबमिट कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने पर आपको आधार डिटेल्स मांगेगा, आधार डिटेल्स में आधार नंबर फिल कर देना है। तो आप आधार नंबर फिल कर देना है तो आप कस्टमर का आधार इसमें कस्टमर को आधार डाल देना है। और नीचे आके आपके पास बायोमेट्रिक में कौन सा डिवाइस है, मंत्रा है तो मंत्रा सेलेक्ट कीजिएगा, मारपो है तो मारपो सेलेक्ट कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल हम मेरे पास मंत्रा है तो मंत्रा को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। और कस्टमर को बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के लिए रेडी हो चुका है, कस्टमर बायोमेट्रिक फिंगर लगाएगा। अभी ठंडी के समय है, चलते फिंगर थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो आप लोग सैनिटाइजर से काम कीजिए। तो कस्टमर का यह डिटेल्स पूरा आ गया है, कस्टमर का बायोमेट्रिक ले लिया, डिटेल्स आ गया और कंफर्म कर देना है। इसमें दिया हुआ है आधार लिंक, आप इसको बंद कीजिएगा तो आधार अकाउंट से आधार लिंक नहीं रहेगा, और इसको चालू कर दीजिएगा तो अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा। तो आपको कर दीजिएगा और कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। अब कस्टमर को लेना है पिक, फोटो लेना है कस्टमर का। कस्टमर का हमने लाइव फ़ोटो ले लिया और कस्टमर का पर्सनल डिटेल्स, तो इस पर क्लिक करना है। उनका फादर का क्या नाम है, फर्स्ट नेम, फादर नेम, और कस्टमर का मदर्स नेम का भी इसमें फिल कर देना है। कस्टमर का मदर्स नेम और लास्ट नेम भी कस्टमर का, और इसमें कस्टमर क्या ग्रेजुएशन है कि क्या मैट्रिक पास है या पढ़े लिखल नहीं है, तो आप उसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर कितना तक पढ़े लिखे हैं। तो हम अपना डाल दे रहे हैं अपने हिसाब से। और वो क्या वर्क करते हैं तो हम सेल्फ एम्प्लॉय डाल दे रहे हैं। आप और क्या बोलते हैं, ये आ गया आपका पर्सनल डिटेल्स में, डिटेलर फिल कर दे रहे हैं।
और आप पर निर्भर, माने आप पर कितने आदमी निर्भर है उसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनके दो, इनसे अभी दो दो निर्भर है, और इसमें ईमेल आईडी डालना है, इसमें आपको ईमेल आईडी डालना है, कस्टमर का ईमेल आईडी डाल देना है और आगे कंफर्म के लिए एग्री कर देना है। और नॉमिनी डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स में ये कस्टमर का जो नॉमिनी डिटेल्स, उसमें आपको फिल कर देना है। नॉमिनी डिटेल्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है, मेल है या फीमेल है वो भी देख लीजिएगा। और आप इसमें कैटेगोरी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके फादर है या मदर है या वाइफ है या सन है, तो हम इसमें हम फादर डाल दिए। और कस्टमर का जो नॉमिनी डिटेल्स, जो उनका एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको डाल देना है और कंटिन्यू कर देना है। और आ जाता है एड्रेस, नॉमिनी डिटेल्स फिल कर देने पर एड्रेस डिटेल्स, जैसे ब्रांच, जो आपको जो ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, जो आपको जो नज़दीकी ब्रांच रहेगा एक्सिस का, वो आपको यहाँ पर शो है, जो आपका जो नज़दीकी ब्रांच होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो हम लोग का मोगा ब्रांच शो कर रहा है नज़दीकी, क्लिक कर लेते, बहुत सारा ब्रांच आ रहा है इसमें, आप देख लीजिएगा कि इसमें से आपका नज़दीकी ब्रांच कौन सा है। तो हम अपना मोगा सेलेक्ट कर लिए, एक्सिस बैंक मोगा, और कंफर्म कर दिए। और लास्ट प्रोसेस है जो आपके स्पाइस मनी पोर्टल से आपको 500 रुपया फी नहीं, इसको एक तरह से मानी डिपॉजिट होता है आपके अकाउंट में, जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा 50 रुपया बोला गया, 500 रुपया आपका, आपके अकाउंट में 500 रुपया डिपॉजिट होगा, तो आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। टर्म और कंडीशन है एग्री करके, और बायोमेट्रिक एग्री करके, टर्म और कंडीशन एग्री करके आगे बढ़िएगा। तो आपका लास्ट प्रोसेस है, आपके पास जो डिवाइस है मंत्रा का, मार्फो का, मेरे पास आपके पास मार्फो होगा या मंत्रा का, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पास तो मंत्रा है अभी फ़िलहाल, तो हम बायोमेट्रिक कैप्चर करते हैं। आपको प्रोसेस में चला गया, प्लीज वेट। कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण अभी स्पाइस मनी में